पकड़ कर लाते हैं, अपनी जान पे खेल के यारों सबकी जान बचाते हैं। देना इनको बहुत जरूरी जो बनती है इनकी फीस, चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420। ये खाली ऐसे ही दे रहे हैं, राइटर ने तो मिठाई भी लिखी थी। मुझे आज आप सब लोगों में ईद की खुशियां बांटते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। सर जी हैरत हो रही है, पहली दफा देखा है कि कोई पुलिस अफसर हम सब में ईदी बांट रहे हैं, और वो भी अपने जाती पैसों से, और वो भी ईद के पुरमसरत मौके पर। ओए पुराने डायलॉग ना बोला, तू भी पहचाना नहीं पहचाना ना करना। सर जी वैसे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा, अभी यकीन दिलाते हैं। अब यकीन आया या SHO साहब से कहूं? सर जी ये इजाज निसार और बशीर से जो है ना, ये सारे ये पैसे मुझे लेकर दें सर, वो मेरे घर के बिल्कुल साथ। वीरे ये बेवा घर के पास रहती है या घर के अंदर रहती है? सर जी ये झूठ बोल रहे हैं, ये अपनी बीवी को ही बेवा बेवा कहते हैं। बशीर अब मैं भी थाने चक्कर लगाता रहूंगा देखने के लिए। मैं मिट्टी खाता हूँ जो आप बार बार चक्कर लगाएंगे मुझे देखने के लिए? सर मेरी भी फैमिली है, मेरी भी ईद है, मेरा कौन सा अप्रैल फूल है सर? ये ईद गुजर लेने दो, उल्टा लटका के चितर पोला शुरू स्पीड मार के। बस इजाज भाई गलती हो गई थी, एक ताजर को अगवा करने की कोशिश की है, ये गलती नहीं है जुर्म है। जी इजाज भाई मैं मानता हूँ, ईद का दिन है, अपनों की याद तो आती है ना स्पीड मार के, वरना एक दफा थाने को आग लग गई थी, मैंने फायर ब्रिगेड वालों को 26 मिस कॉलें दी थी, तब जाके उन्होंने बैक कॉल की थी। जी एजाज भाई वो ईद है ना, तो मैं आपको भी ईदी देख जाऊंगा। नहीं आज ईद के दिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, बल्कि मैंने तो सोचा हुआ है तरु और मरु को भी रिश्वत नहीं लूंगा। और उसके बाद तुम्हारा क्या ख्याल है कि फिर मैं भूखा मर जाऊं? ये ला तुम फोन। हेलो, हाँ कामरान बात कर रहा हूँ थाने से। हाँ कामरान, मैं ईद की नमाज पढ़ के थाने ही आ रहा था। यार तुम्हें थाने आने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे यहाँ से निकालो किसी तरह, आज ईद का दिन है, मैं अपने घर वालों में ईद करना चाह रहा हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। कुछ नहीं करना बल्कि जो कुछ कर सकते हो कर गुजरो। कहा ना फिक्र नहीं करो। वीरे ईद का दिन है, ईद के दिन लोग किसी के घर में जब जाते हैं फल लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, आप गन लेके आ गए। पहले कहा था, अब भाई साहब आप ये तो पागल है, आपने जो लूटना है भाई साहब लूट ले यहाँ से, बस ये खीर छोड़ देना भाई साहब। भाई साहब इसे भी छोड़ देना, क्योंकि खाने के बाद फिर बर्तन किसने धोने हैं, बाकी लूट ले जो लूटना है आपने। मुझे कामरान चाहिए। भाई साहब वो तो टीम को नहीं चाहिए, आपने उसका क्या करना है? मैं कामरान अकमल की बात नहीं कर रहा, मैं उस कामरान की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे हवालात में बंद है। भाई साहब मैं घर पे हूँ, वो थाने में फोन करें, आप उन्हें बोले कि कामरान को छोड़ दें। मैंने कहा था ना ये औरत मुझे ईद वाले दिन मरवाएगी। तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है, थाने फोन मिलाओ, और एक बात ज़हन में रखना, उनको जरा भी अंदाजा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, वरना तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा मैं। वीरे बहुत बुरा लगेगा, लोग इधर से उधर तक देखेंगे, अच्छा नहीं। हाँ जी वीरे फोन मिलाओ। मैं फोन मिलाता हूँ, पता क्या जिनको फोन करना ना अकरम भाई को, वो ऐसा आदमी है, वो उनको तो कोई 10 रुपए दे दे वो नहीं छोड़ते, तो मेरे कहने पे वो अगवा वाला मुजरम कैसे छोड़ेगा वीरे? आप थाने फोन तो करें अपने कुलीग को, हो सकता है वो आपकी जान बचाने के खातिर इनके साथी को छोड़ दे। अच्छा मैं मिलाता हूँ, ये तो परे करो ना, नंबर ही नहीं याद आ रहा है वीरे। सर जी ये टॉम एंड जेरी आपसे कितने मिलते जुलते हैं? तुम्हारा मतलब है कि मेरे रिश्तेदार हैं? अच्छा आपने पहले बताया ही नहीं स्पीड मार के। बकवास बंद कर। ओ बशीर दत्त। हेलो, हाँ बशीर ईद मुबारक भाई, बड़ी गल है ईद वाले दिन भी तू घर दे भाई सानू याद रखिया। हाँ वीरे वो ईद मुबारक आपको। और घर में सब ठीक है, खैरियत है? हाँ जी वीरे सब खैरियत है, वो ना आज ईद का दिन है तो। हाँ बोलो
वो बीरे आपको पता ना कि ईद वाले दिन जो गवर्नमेंट होती है वो अपना मुलजमों को कैदियों को सजाएं जो है वो माफ़ कर देती हैं, तो मैं भी यही चाहता हूँ बीरे कि हमारे जो हवालात में मुलजम हैं हम उनको छोड़ दें ताकि वो अपने घरों में जाके ईद मनाएं और अपने बच्चों में खुशियाँ रहें और अपना उनको जो है वो ईद पर बाहर लेके जाएँ, पंगूड़ों पर चूटे दें और हमें दुआएँ दें। अब बशीर तो तुम्हारा दिमाग कहीं घास तो नहीं चलने गया, वो हर ईद के ऊपर हुकूमत जो है वो कैदियों के लिए ऐलान करती है लेकिन उसमें सजाएं काम करती है, रिहाई सजा हो ही जानी है। मैं चाहता हूँ हम इसको पहले ही छोड़ दें ताकि ये पहले ही हमें दुआएं दे दें, ज़रूर उसको पहले जेल भेजना है उधर सजा होगी फिर बाद में आके दुआएं देगा, इतनी लेट दुआएं लेने का क्या फ़ायदा, फिर आज ही ले लेते हैं। लो बशीर को देखो। जी सर। कहाँ जा रहे हो? वो आपने खुद ही तो बोला है बशीर को देखो। तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? वीरेंद्र मेरी बात सुनो, मेरी बकवास सुनो, मैं कब से शेर की तरह पहुंच रहा हूँ? मेरी बात सुनो बशीर, बेवकूफी ना करो, अगर ये बात SHO साहब तक पहुंच गई ना तुम्हारी नौकरी तो जाएगी साथ मेरी भी गई। वीरे नौकरी का दिन है, अच्छा मौका है, आप पहले मेरी बीवी के मुंह पे मेकअप इतनी मुश्किल से ठहरा है। जी क्या हुआ? काट दिया उसने। लगता है तेरा हाथ काट कर उनको भेजूंगा तो फिर उनकी समझ में आएगा। ना मेरे यर्गमाली अपनी जगह पे हाथ ना काटना, हाथ काट गया तो बंदा बहुत बुरा लगेगा, मैं बेल्ट कैसे बांधूंगा? असाय खिलाओ ताने फोन, नेटवर्क बहाल हो गया। हां जी। ईद की नमाज को खत्म हुए काफी टाइम हो चुका है जी। और एक बात ध्यान में रखना, कोई चलाकी नहीं चलेगी वरना गोली मार दूंगा तुम्हें। ना भाई ना, मेरा शोर बहुत सीधा साधा आदमी, उसके अंदर कोई होशियारी चलाकी नहीं है, आप जैसा कहोगे ना वो वैसे ही करेंगे। हां जी हां जी। मिलाओ थाने फोन। थाने मिला रहा हूं। क्या हुआ सर? सर फोन किस दा है? वो मेरे बीरे रो तो मैं पहले भी रहा था, उस वक्त मैंने बताया नहीं, मैंने खुद को साइलेंट पे लगा लिया था। बीरे हमारे वो हवालात में मुलजम नहीं है कामरान, बीरे उसको छोड़ दो। नहीं नहीं वो तानी नहीं जो मौला जट में थी, नहीं नहीं तानी तानी दूसरी। और ये तानी हुई पिस्तौल किसी वक्त भी चल सकती है। ओए हेलो, ओए गल सुन, ओए क्या हुआ सर जी? ओए जाज निसार कम खराब हो गया। क्या हुआ सर? ओए साडे कोले जेड़ा हवाला ते नहीं कामरान, हां हां उस दे भाई ने बशीर नु ते ओदी फैमिली नु उथे यरगमाल बना रिया। ओ कह रहे कि जदों तक तुसी ओनु छड्डोगे नहीं ना मैं इन्हां नु नहीं छड्डांगा। ओए मेरी गल सुनो, ओए कामरान नु छड़ना नहीं, लेके आया इसनु। मैं अभी लेके आता हूं सफेद मार के। सर जी से बाहर निकलो, मुझे गुस्सा ही बहुत है उसमें। कामरान चलो जल्दी बाहर निकलो, तुम्हें अकरम साहब ने बुलाया। अकरम साहब ने मुझे बुलाया? हाँ। तो इसका मतलब आज ईद मैं अपनों के साथ ही मनाऊंगा। हाँ, अपनों सबके दरमियान में बैठ के एक दूसरे के मुंह में अकेली अकेली सेमी डालेंगे। हाँ? तुम्हारे दोस्त ने हमारे भाई बशीर को यर्गमाल बनाया हुआ। वेरी गुड वेरी गुड, तुम वेरी गुड, हम तुम्हें नहीं मनाने देते अपनों में जा। तुम हो कामरान है जी, जिसके साथी ने वहाँ हमारे हेड कांस्टेबल बशीर को यरगमाल बना रखा और संघ हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। फोन फड़ा हिलना है, फड़ के रखो सुनो, हिलना नहीं स्पीड मार के। हेलो बीरे सर जी, ईद का सारा दिन जाया हो रहा है, मेरी बीवी बिल्कुल तैयार बैठी है, हमने अम्मी की तरफ जाना है। जी बीरे अगर बशीर की जिंदगी चाहते हो तो कामरान को छोड़ दो वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा या बुरा अभी तुम्हें पता चल जाएगा, मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अकरम है। क्या कर लोगे तुम? क्या करोगे तुम ये अभी तुम्हें कामरान की आवाज से पता चल जाएगा। अच्छा क्या? अच्छा ये सुनो सुनो वीरे, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या कहा? ये भी सुनो, मार के रखो।
आ रही है आवाज, आ रही है? अब मैंने नहीं, और किसे इधर नहीं मारते? आ रही है शादी में हाथ था, हाथ पीछे रख, हाथ आप पता चला कानून क्या होता है? आवाजें सुनाई दे रही है ना? सर जी कोई अकल से काम ले, उसे ना मारे। बशीर तुम बिल्कुल ना घबराओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी नहीं होगा, मैं कचूमर निकाल दूंगा इसका, तुम देखना तो सही, अभी सब ठीक हो जाएगा। चले हो, चले हो। नहीं फिर चीखे कामरान की मेरे बहुत जलाद का बच्चा है ये, ये भी सुनो, सुनो। अभी देखना पानी, मैं देती हूँ आपको पानी। बड़ा कोई इसको पानी नहीं देगा, सुना तुमने? पानी 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 मैंने यहाँ छबील लगाई हुई है, पानी दे। लाडला ना बन। सर जी पानी। बशीर घबराओ ना, पानी की जगह मैं तुम्हें संदल का शरबत पिलाऊंगा। ओए साहब जी, आपको अल्लाह का वास्ता, इस मुल्ज़िम को पानी पिला दे, इसको पानी पिलाएंगे तो मुझे पानी मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओ इजाज जी सर, पानी लेके आओ, सफेद मार के लेके आओ, पानी लेके आओ। आया, इसने मेरा पानी रोका हुआ है। पानी क्या हुआ? ये हुआ, जा उठ जा इधर से, ये हुआ तेरी, ये हुआ ऐसे खुद को लगे पता चले, चुप कर जा। आपका फोन आ रहा है, उस तरफ करते। हेलो हेलो, हाँ जाजी कामरान बोल रहा हूँ। हाँ पुलिस वालों ने मुझे, हाँ यार अब तुम भी वहां से निकलने की करो। डोंट वरी, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम ऐसा करो घर जाओ और बच्चों में जो बची हुई ईद है वो एंजॉय करो। अभी आपके भाई को छोड़ दिया उन्होंने? हाँ कामरान का फोन था। अच्छा, रहा कर दिया उन्होंने, शुक्र अल्लाह का। मेरी बात सुनो, कोई ज्यादती कोई बदतमीजी की हो उसके लिए माफी चाहते हैं। आपने इनके साथ कितनी ज्यादती की, आपने इनको कितना मारा है? चलो छोड़ दो, क्या हो गया हमारा, तो कुछ भी नहीं होता, ईद का दिन है, अभी कोई ईद गुजर थोड़ी गई, इतनी पड़ी है, हम एंजॉय कर लेंगे, वैसे भी अम्मी के घर जाना हम लोगों ने। की नहीं चलेगी, आप जाओ जो भी है आप उसको अवॉइड करो, चुप करके निकल जाना। पुलिस को अवॉइड कौन करता है यार, फजूल बातें, जाओ देख जाके कौन है, जाओ तुम चेक करो, कोई चलाकी नहीं चलेगी। चलाकी उसने क्या करनी बेचारी ने। अस्सलामुअलैकुम आंटी, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ईद मुबारक। ये क्या लाए हो फरहान? आंटी अम्मी ने बिरयानी भेजी है। अच्छा बिरयानी भेजी है, अभी ईद लेके जाऊंगा, मैं खुद ले लूंगा। नहीं बेटा, मेरे पास अभी खुले पैसे नहीं है, तो शाम को आके ईदी ले लेना। नहीं मुझे अभी ईदी चाहिए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बेटा अभी अंकल के पास ईदी नहीं है, तो फिर उसकी तरफ देख के बात करो, फिर आके ले जाना। आप मुझे ईदी दे दे, आप तो इनके दोस्त ही हैं। हाँ बेटा ये मेरा जान, वो घर रह गया है। वो किसका पर्स है? कौन सा बेटा? ओए बेटा, ओए बेटा मेरी बात सुनो। आप आ गए, वरना कोई बात नहीं भाभी जी, आपका सुहाग सलामत रहे, बशीर बहुत, मेरा मतलब है हमारा बशीर सलामत रहे, सुहाग बहुत। मेरा ख्याल है ये जुमला ही पूठा लिखा है, इसको जैसे भी बोलूंगा गल पूठी बनेगी। अभी एक मिनट एक मिनट, ये मेरा मेहमान है और ईद के दिन मेरे घर पे आया है, हैं? इसने मेरे घर में नमक खाया है और खुद खाया और बहुत ज्यादा खाया। इस मौका के ऊपर इसको मैं खुद अपने हाथों से गेट तक मारता हुआ छोड़ के आऊंगा। पहले ऐसे क्यों किया?
तेरा ज़ुल्म कर जितना मैंने किया था। वीरे मैं थोड़ा सीनियर हूँ ना इसलिए। वीरे इसके साथ तो मुझे नहीं आ रहा। पता तू बड़ा मुजरम है। चल जरा। चौकी नंबर चार पकड़ कर लाते हैं अपनी जान पे खेल के यारों सबकी जान बचाते हैं देना इनको बहुत जरूरी जो बनती है इनकी फीस चौकी नंबर 420 चौकी नंबर 420 मुझे आपसे जरूरी बात करनी है ये मैं आपसे कोई पैसे मांगने नहीं आई अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है हाँ जैसे कि मैं आपका पहले इशारा समझती नहीं हूँ ईद का दिन अभी ईद गुजरी नहीं है जरूरी बातें करते जाना कुछ खाने के लिए ना पूछना वो असल में ना मेरी कजन की शादी है तो इसमें मेरा क्या हाथ है मेरा क्या लेना देना देखो नादिया मैं मामूली सा पुलिस मुलाजम हूँ कुछ सोने का ताजर नहीं हूँ देखिए आप सोने के ताजर हो या जागने के ओए मैं सोना मतलब गोल्ड का बोल रहा हूँ गोल्ड का मुझे नहीं पता मैंने कपड़े लेने ही है नादिया मेरी बात समझने की कोशिश करो दो साल से मैं आपकी बात समझने की कोशिश ही कर रही हूँ मैंने सोचा था शादी होगी पुलिस वो बाजे वाले होते हैं जिनको कमाई होती है जो ऐसे ऐसे करके ऊपर से पैसे पकड़ते रहते हैं हम पुलिस वाले हैं हमारी कमाई नीचे की होती है यूं करके हाथ पकड़ा और निकल गए अब तो लोग भी बड़े सियाने हो गए हैं जिसको बोलो ना कागज चेक कराओ वो सच मुझे कागज ही चेक करा देता है वक्त तो मेरे खराब निकले जो मेरी आपके साथ शादी होगी वरना मेरे लिए तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे हर बात तो लिखी पड़ी होती है सर उसमें तो कोई ऐसी है के मसला सॉरी सर वो मैं आपको नहीं कह रहा सर आप खुद ही तो कह रहे हैं कि मैं आपसे नहीं कह रहा मैं सारी सर्विस दे के दी तो कभी ससुराल वालों ने आप कहा है तो फिर ये क्यों सोच रहे हो कि तुम्हें आप कहा जाएगा क्या मसला आप बताओ सर SHO साहब बशीर का पूछ रहे थे तो बशीर नु पूछो मैं उसका मोबाइल फोन अभी हर वेले उसदे नाल नाल होना सर जी ज्यादा गुस्सा ना करे पिछली दफा भी आपकी वायरिंग जल गई थी किसनु कह रहे हैं मशवरा दे रहा था आ जाते हो मुंह उठा के मुंह ना मथा जेन पाड़ू लथा सर मुंह उठा के ही आते हैं जेब में डाल के थोड़ा आते हैं फजूल को बकवास ना करे कर सॉरी सर किने गल करन दे क्यों तमीज भी नहीं जिन जिन लथा चलो भागो यहाँ से अच्छे जी लथा कम बशीर कहाँ पे है सर जी मैं आपको बशीर का ही बताने आ रहा था क्या बताने आ रहे थे कि बशीर का ये क्या कि मुझे पता नहीं सर वो किधर है तो पता रखना किसका काम है मेरे पास थाने में इंचार्ज तुम हो जी सर अच्छा हुआ आपने बता दिया सर अब मैं उसका ऐसा ख्याल रखूंगा कि लग पता जाएगा सर फजूल मत बोला करो बशीर का पता करवाओ वो कहाँ है और उसे थाने बुलवाओ मुझे हाजिरी पूरी चाहिए सर कभी तनख्वाह भी पूरी दिलवा दिया करें हाजिरी पे ही जोर रहता है सफेद मार्क है सर जी अगर ये नाके नाना हो तो हम ड्यूटी के बाद मंडी में जाके बोरियां उठाने का काम करें और निसार और जिस कागज और चले तो मंडी से बोरियां उठाने डोंट यू वरी सर मैं इनको समझा लूंगा और तुम्हें कौन समझाएगा सर जी इनके घर में एक पीर है वो इनको बहुत अच्छी तरह समझाता है जी पीर हाँ जी सर जी अकरम साहब उनके बड़े पक्के तीन मरीद हैं जी कैसे पीर हैं वो जी ये अपनी जौजा माजदा के मरीद हैं जी सर जी यार बात तो इन दोनों ने बहुत माकूल की है सर आपको एडवांस सलूट मुबारक हो सर अब आप चाहें तो तशरीफ ले जा सकते हैं सर जाहद परेशान ना हूँ तो क्या करूँ बीवी ने कज़न की शादी पे जाना है वो कहती मुझे हर सूरत नए कपड़े चाहिए चाहिए कहती चाहे चोरी करो डाका डालो या जादू सीखो मुझे कुछ पता नहीं मुझे कपड़े चाहिए तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है आप जादू सीख लें बशीर साहब क्या मजाक कर रहे हो मैं तो पहले ही परेशान हूँ बशीर साहब मैं मजाक नहीं कर रहा आप जादू सीख लें इससे आपकी काफ़ी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी यार क्या बकवास कर रहे तू और यार इससे तुम्हारी तरक्की भी हो जाएगी ये सब होगा कैसे मैं अभी आमिल बाबा को कॉल करता हूँ सब पकड़ना था ना सपेट मार का ओ सब जी बाकी तो सब जो ये भाग गए बस यही हाथ लगा है हमारे तू क्यों नहीं भजे यार हैं लंगड़ा फाला जे तेनू ये तोड़े देने की है भाई साहब इंस्पेक्टर आकर वेला बैठा ना ऐसे जो साहब नु आराम है तो ना सानू आराम लेने देने ओ सर जी मुझे तो खाम खा ही पकड़ के ले हैं ये आपके बंदे खाम खा हैं कोई माल बरामद हुआ है जी सर जी दो ताश की गड्डियां और 2180 रुपए मौका पर ही मैंने बरामद कर लिए जी माल कहाँ है वो सर जी मेरे पास है वो टेढ़े मेढ़े हैं जी मैं सही
मुझे तो ये भी नहीं पता कि ताश में 52 पत्ते होते हैं। अच्छा तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि ताश के 52 पत्ते होते हैं? कसम लेने मुझसे, मुझे नहीं पता कि फलाश 3 पत्तों से खेली जाती है। सब्जी हमसे गलती हो गई, ये जारी नहीं है। हम तो उम्रा पर जाने वाली फ्लैट से एक बंदा पकड़ के ले आए गलती से। सर जी प्लीज आप मुझे बैंक की डबल ताश की तरह मत फेंटे। जा इसको इज्जत और एहतराम से और प्यार मोहब्बत से हवालात ले जा और वहां जाके ने सोटे मारो। कह देना 10 दिन में है? 10 दिन में अगर बकवास करना है? रोला किस गल का, रोला किस गल का है, रोला किस गल लगे पता, लगे पता पता कर। जब से अमल शुरू किया है मेरे चेहरे पे नूर ही आ गया है। सर ये बिल्कुल थाना अकेला, सियाने कहते हैं थाने जो है ना वो हंसते वस्ते चंगे लगते हैं, कोई बंदा ही आ जाता है, हैं अकेला थाना, कोई चोर आ गया, कोई चीज़ उठा के ले गया, कौन वारस है? ये तो कोई अकलमंद ही नहीं, किधर चले गए सारे? हाँ मुझे लगता है भाई ये लोग ना माल रोड पे एहतजाज करने गए होंगे, वहाँ जाके नारे पे नारा मार रहे होंगे, थाने खाने बंद करो, थाने खाने बंद करो, थाने खाने बंद करो, थाने खाने बंद करो। ये माल रोड से यहाँ तक आवाजें कैसे आ रही? ऐसे ही वहम होगा फिर। थाने खाने बंद करो, थाने खाने बंद करो, थाने खाने बंद करो। इन्नी लेट रिएक्ट क्यों कीता है? इड लेट सलूट क्यों मारे? जहां राइटर ने लिखना था सर जी उधर ही मारना था ना। होश क्या हो जाएंगी, अफसर बदल जाएंगे, फूल ट्रांसफर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये फूल मुझे दे दे ठाकुर। फूल के बच्चे कल कहां थे, थाने क्यों नहीं आए? ओ सर जी क्या बताऊं, नालियां बंद हो गई थी, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अल्लाह रहम करे। अल्लाह के बंदे अगर नालियां बंद थी तो किसी डॉक्टर को चेकअप कराना था। फिर आपको भी अकल ही नहीं है। हमारे मोहल्ले के गटर की नालियां बंद थी, बदबू आ रही थी, सांस लेना मुश्किल हो गया था। खुद गया हूँ कॉर्पोरेशन जाके, वहां से बंदे उठाए, आगे सफाई करवाई है, फिर नहा धो के सीधा थाने आया हूँ। आप ऐसा करो सीधे SHO साहब के कमरे में चले जाओ, हो सकता है मुअत्तल होने से बच जाओ। मुअत्तल और मैं? ओए ये कल जो बिक गई है स्पीड मार्ट का, मेरा मतलब है जी माल खाने में जमा करा दिया। मन तो लगता है थोड़ा जा नशा चुके इन्हें पी लिया, ये नशे च ना मुन्ना, ना 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 ये वो नशा नहीं है, ये नशा कामयाबी का नशा है मुन्ना। तुम छोटे छोटे अफसरों से मेरा रुतबा कितना ऊपर चला जाएगा देखना तुम लोग, याद रखना, याद रखना सर। हेलो भाई मुझे भी अदालत में पेश करो। ओए अभी तुम्हारी FIR नहीं कटी, अदालत में तुझे पहले पेश कर दे। टाडे आदमी है और बड़े बड़े बदमाश उनसे कांपते हैं, और वो तो उड़ते बदमाश के पर गिन लेते हैं। उनके सामने कोई ऊंची नीची बात ना करना और ना कोई गलती करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं बशीर साहब, मारते भी फुल स्पीड से हैं और रोने भी नहीं देते। मैंने अपनी पूरी सर्विस में ऐसा डाडा अफसर नहीं देखा स्पीड मार के। छुट्टे मुके टकरे बेल्टे रूलर। बशीर साहब ये थाना है थाना, तुमने इसको अपनी नानी अम्मा का घर समझ रखा है। नहीं मेरे नानी का घर तो खैर, दिल करता है तुम छुट्टी कर लेते हो और जब तुम्हारा दिल करता तुम उठा के थाने आ जाते हो। तुमने हमें पागल समझ रखा है? नहीं वीरे मतलब मैं ऐसा क्यों क्या मतलब बताओ, क्या बात है तुम्हारी बताओ मुझे। पर बंदे को तनख्वाह हलाल करके खानी चाहिए, कभी तुमने अपनी तरक्की के बारे में सोचा? मेरे तरक्की तो देखो ये तो अल्लाह के हाथ में। क्या अल्लाह के हाथ में, तुम्हें अपनी सेंस और अक्ल से काम नहीं तुम ले सकते हो? वो तो लेता हूँ। क्या तुम काम लेते हो है? बताओ मुझे क्या काम लेते हो, और जैसे तुम्हारे काम के तौर तरीके हैं मुझे तो डर है कि तुम हेड कांस्टेबल से कहीं कांस्टेबल ना बन जाओ। मेरे अल्लाह से रहम मांगो ऐसी मनहूस बात है यार। तुम अल्लाह से रहम मांगो, मुझे बता रहे हो, मुझे समझा रहे हो तुम? मैं जाऊं सर जी अब? जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें अपने सर पे बिठा के रखना है।
मेरी बात कान खोल के सुन लो, मुझे सारा दिन थाने में नजर ना आना। मैं बशीर हूँ कोई मिस्टर इंडिया का? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मिस्टर इंडिया के बच्चे 6-7 घंटे के लिए सो जाएं आप। ठीक है सर जी, चला जाता हूँ। बशीर। हाँ जी। सैल्यूट। सर अभी मारा तो था पहले। वो तुमने पहले मारा था? 1 मिनट पहले मारा, इतनी देर में क्या बासी हो गया सैल्यूट? ओहो, जाओ यार जाओ, जाओ दफा हो जाओ। चले मार देता हूँ, बाद में ना सोचते रहना। सुन लिया, बशीर को एस एच ओ साहब ने फिर छुट्टी दे दी है। सर ये बड़ी जे आती है सपीड मार के। सर जी सर, रूटीन तो हट के तेरे बेशुमार तरक्कियां वे बाबुआ नहीं होनिया। सर जी मैं तो कहता हूँ जब तक बशीर साहब नहीं ना आते उस जवारी की तफ्तीश आप कर लें, वरना। वरना क्या? वरना 3 हम हैं, चौथा उसको बुला के सीप खेल लेते हैं जी। सर जी, सर जी बच्चे का दिल ना तोड़े। बकवास बंद कर रहे, समझ नहीं आ रही। हालांकि अमल भी किया है फिर भी इंतहाई बेइज्जती हुई है। मेरा ख्याल है इज्जत का आगाज घर से होगा। नादिया क्या तकलीफ है? आज मेरे शूज तुम उतारोगी? तुम्हारे शूज मैं उतारूंगी? अपनी शक्ल देखी है तुमने कभी शीशे में? मेरा दिमाग खराब है, आग लगे से शीशे को। मेरे कपड़ों के लिए पैसे लाए हो? फिक्र ना करो अमल, हो रहा देखना तरक्की और पैसे एक साथ आएंगे। चलो करो अमल, लिख लो यहाँ से जब पैसे आए तो तब इधर आना। ये तुमसे SHO साहब ने खुद कहा है? जी हाँ, SHO साहब ने खुद कहा है। और क्या, हम चाय वाले का मैसेज लेके आए हैं। SHO साहब भी अजीब है, खुद कोई काम करते नहीं, बस आए चक्कर लगाया, एक आधी पेट्रोलिंग का बहाना किया या SP साहब से मीटिंग का बहाना किया और चले गए, और सारा थाना अकरम के सर पे है। बस क्या पिछ, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मेरे ऊपर से कबूतर मार तोड़ाओ। ये बशीर कल भी नहीं आया, बशीर आज भी नहीं आया, अब SHO साहब भी हर वक्त बस यही, अकरम तुम ये कर लो, अकरम तुम वो कर लो, अकरम तुम इधर देखो, अकरम तुम इधर देखो, अकरम तुम इधर देखो। अब ये देखो SHO साहब मेरे दिमाग पे इतने सवार कर दिए हैं कि अली शेर भी मुझे SHO लग रहा है। अकरम मैं ये बताते खुद हूं और मैंने वो सब बातें सुन लिया। सर आप तो अभी आए हैं और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं। अकरम मैं सब समझता हूँ। सर आपने बशीर को बड़ी ढील दी हुई है, वो कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। ने उसको सिर्फ आज थाने में गुस्से में ये कहा था कि तुम मुझे अपनी शक्ल सारा दिन ना दिखाना, और देखो वो वाकई घर चला गया। जी घर चला गया स्पीड मार के। सर जी मैं उसे बुला के लाऊं? वजह क्यों? वो चौथी का बच्चा है जो उसे घर से बुलाने जाओगे? सर जी ये बहाना लगाकर जाएगा और अपने घर से चक्कर लगा के आएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। सर मैं बुला के लाता हूँ। अकरम सर खड़े रहो यहाँ पे। सर कोई भी बशीर के घर नहीं जाएगा, उसे कॉल करो कि फौरन वापस थाने आए, और जो जो उसके काम जिम्मे लगे हुए हैं उसको को अपने काम आके मुकम्मल करे। तुम लोगों ने थाने को मजाक बना के रखा हुआ, सीरियस होकर काम करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये हैं बशीर साहब जिनका आप सब लोग मुझे डरावा दे रहे थे, इनका तो मुंह ही हुक्म गई है खेचा सा। आप फंसेंगे तो कैश हो जाएगी बात। फिर भाई इनमें से कोई मेरी तफ्तीश करे तो मुझे समझ आती है, अब ये करेगा मेरी तफ्तीश? ईंट की चौसठ जैसा तो इसका मुंह है। तफ्तीश से मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन कोई बंदा भी तो होना जो मेरी तफ्तीश करे। हो गया, ये बातें लिखने वाली है? मुझे साहब जी ने कहा कर लो उसका बयान रिकॉर्ड करो, तुम बयान पे ध्यान दो। लेखो जो सही गल है लेखो, सही लिखा है जो आपने पहले। चलना तू तो अपना तफ्तीश करना, वो तो सही है, लेकिन आप चीजें ले रहे हैं सारे, जो मैं पूछूं ना उसका सही सही जवाब देना। मेरे फिक्की बात नहीं करनी मेरे साथ, समझे कि नहीं? आपको बताऊं वो आपसे तो ढंग रख के सर नहीं उठाई जाती। कमाल ना, खुदा की कसम नहीं इतनी हंसने वाली बात जितना आप हंस रहे हैं, ये फजूल बात है, आपके लाफ्टरों की वजह से मैं शर्मिंदा हूं। ओ भाई जी SHO साहब ने कहा है कि बशीर तहकीक और तफ्तीश करेगा, लिहाजा तुम नहीं करनी है। वो ये करेगा तफ्तीश? इसने तो सादा कोर्ट घर में बरगा है यार, ये कहना उसने कहना। ओए मुख्तसर सिर वाले आप नहीं हंसी आ रहे, आप लोग रड़े हुए उसके साथ। किस बात? मैंने किया तो आप चुप खड़े हो। बाबा जी सारा काम उल्टा हो रहा है, घर से लेकर हवालात तक बेइज्जती बेइज्जती हो रही है। मुझे तो लगता है इस मुल्क में दो ही काम हो रहे हैं, या मेरी बेइज्जती हो रही है या गर्मी हो रही है। अच्छा अब जो अमल मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। अभी बहुत कुछ बदलने वाला है, तरक्की होने वाली है, हालात बदल जाने हैं। वो तमगा मिलेगा जिसका कभी कोई पुलिस डिपार्टमेंट का इंसान, जो बहुत कम लोगों को मिलता है।
हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, जो मुजरम चाहे पाताल में जाकर छुप जाए लेकिन कानून की नजर से नहीं छुप सकता। वर्दी धुली हुई नहीं है, घर में सर्फ नहीं होता। क्या शक्ल बना रखी है तुम लोगों ने अपनी, इसकी तरफ देखो। थाने में अगर तुम ना होते तो होते थाने में, और इसकी तरफ देखो। मुझे रोना धोना और हंसना अच्छा नहीं लगता। थाने में रहो तो सीरियस रहो, ऐसे लगे जैसे तुम्हारे घर में कोई मौत हो गई है। जानते हो तुम लोगों की मत क्या हालत करने वाला हूं। तमगा दे दिया चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420। कोई हो मसला, कोई हो केस, कोई हो केस तो करना है निको पे, निको पे। अपने वतन की अपनी पुलिस, चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420, चौकी नंबर 420।